मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब बेहद ही नजदीक आ चुके हैं, गिनती के ही दिन बचे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जनता अपने जननायक का 17 नवंबर को चयन करेगी और मध्य प्रदेश में उसी दिन मतदान होगा, जिसके परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। इसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। इसी के चलते ही पार्टी के जितने भी स्टार प्रचारक हैं, वह अपने प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। और उसी के चलते ही आज कोलारस विधानसभा के खतोरा में महेंद्र सिंह यादव के समर्थन में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे और उनके द्वारा एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया गया। सिंधिया जी के द्वारा जनता को भारतीय जनता पार्टी की जनहितकारी और जनहितेशी योजनाओं से अवगत कराया गया। साथ ही ये बताया गया कि किस प्रकार महेंद्र सिंह यादव जी को राजनीतिक ज्ञान प्राप्त हुआ। ये बताया गया कि उनका और सिंधिया जी का रिश्ता केवल राजनीति से जुड़ा नहीं है, बिल्कुल घर परिवार जैसा है, जिसे सुनकर जनता काफी ज्यादा उत्साहित हो उठी। इसी के चलते ही सिंधिया ने ये भी जनता को बताया कि हमेशा ही महेंद्र राम सिंह यादव जी जनता के प्रति समर्पित रहते हैं और जनता के लिए ही हमेशा कार्य करने के लिए अग्रसर रहते हैं। इस जनसभा में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, साथ ही कई कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी रही।